वेलकम बैक टू द कॉमेडी सर्कस फिनाले. भाई हुआ यूं कि हम ब्रेक के दौरान गए तो लेकिन अपने कैमराज बंद करना भूल गए. तो ऐसा हुआ कि हमारे जो दो जजेस हैं शेखर और सतीश जी, वो कुछ कोने में बैठकर खुसुर खुसुर कर रहे थे जो कि हमारे कैमराज पर रिकॉर्ड हो गई है. तो अर्चना, वुड यू लाइक टू सी कि जब आप यहाँ से गई हुई थी तो इन दोनों के बीच क्या बातचीत चली? यस यस, टेक अ लुक. या शेखर, आज ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है. ये फिनाले उनका नहीं है, हमारा है. कैसे? आज के बाद ये सारे पार्टिसिपेंट्स पैसे वैसे लेके निकल जाएंगे. कल से हम दोनों क्या करेंगे? गन्ने चूसेंगे? अरे हाँ, अब करें क्या? अब तो जजगिरी की भी आदत लग गई. फिर करें तो क्या करें यार? एक आइडिया आ रहा है. क्या? कल से भंगार वालों की तरह बाहर निकल जाते हैं, कुर्सियां अपने पीछे पीछे चिपका लेते हैं और चिल्लाते हैं, क्या जजिंग करवा लो, जजिंग करवा लो. दो शहनशाहों के साथ एक कनीज मुफ्त. कनीज यानी अर्चना. लेकिन भाई प्रोड्यूसर उसे हंसने के पैसे नहीं देगा. फिर तो बेचारी भूखी मर जाएगी. क्यों? तो फिर क्या करें? तो क्या करें? हम लोगों की बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं. नहीं नहीं, पैसों के लिए इतना जलील होना और शकील होना मुझे मंजूर नहीं है. अरे समझा करो यार, बेइज्जती की बेइज्जती और पैसे के पैसे. यू मीन आम के आम और गुटलियों के दाम? तो शुरू करें बेइज्जती लेकर शकील का नाम. चलो पहले आप. नहीं, पहले आप. तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए कितने साल हो गए? जितने साल तुम्हें छोड़ के हो गए. ये कहा था बेइज्जती कर दिए, ये थोड़ी कहा था कि सच बोलने लगो. अरे भैया, मगर अभी अपन पैरअप हुए हैं तो ये सब तो करना पड़ता है ना. पैरअप यानी जोड़ी? हाँ हाँ बिल्कुल. किसकी जोड़ी? अरे यार तुम भूल गए, चैनल ने तुम्हारी और मेरी जोड़ी बनाई है. अरे मेरी जोड़ी बनानी थी तो किसी लड़की के साथ बनाते, या फिर किसी औरत के साथ बनाते, या फिर अर्चना के साथ ही बना देते. तो फिर मैं क्या करता? मैं जोड़ी किसके साथ बनाता? तुम है जोड़ी बनाने की क्या जरूरत है? तुम तो अपने आप में जोड़े लगते हो. भैया मैं तो अपने आप में एक जबरदस्त चीज. अरे तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या मेरी तारीफ कर रहे हो? वी आर कमिंग बैक फ्रॉम अ ब्रेक. ओह यस यस, ये कोई सुन तो नहीं रहा अपन जो बातें कर रहे थे. जोरदार तालियां हमारे शरारती जजेस के लिए. जंग हो रही है कॉमेडी सर्कस चैंपियन के टाइटल के लिए. कौन होगी आज की वो सर्वश्रेष्ठ कॉमेडियन जोड़ी? जूही वीआईपी या काम्या राजीव? आप अपनी बोलियां लगाना शुरू कर दीजिए. तब तक कॉमेडी के पेच लड़ाने आ रहे हैं एक बहुत ही नई और अनोखी जोड़ी. हमें अपनी अदाओं से डेली सोप्स में रुलाने वाली आज हम सबको हंसाएंगी. वेल, सैन सिस्टर्स की करेंगी ये लंबी खिंचाई और आपकी टेंशन की करेंगी विदाई. प्लीज वेलकम पारुल चौहान एंड सारा खान. एक्ट कर रही है सबके सामने. ये जो लोग बैठे हुए ये सब तुम्हें जानते हैं? राय माँ, यू नो मैं रिया सेन हूँ और हमेशा पॉपुलर एक्ट्रेसेस को हम्बल रहना चाहिए ताकि यू नो लोगों को लगे ना कि एटीट्यूड है. ओके, हाय हाय. तू क्या कर रही है? मैंने पॉपुलर एक्ट्रेसेस की बात की है. अरे तू छोड़. तो ये बता कि तेरे हाल चाल कैसे हैं? तुझे पता रिया, मैं एक बहुत बड़े बजट की कॉमेडी फिल्म कर रही हूँ. ओह वाओ रायमा. हाँ, तो सिर्फ फिल्म कर, कॉमेडी तो अपने आप हो जाएगी. मैं भी एक बहुत ही बड़ी मूवी करने वाली हूँ, सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसमें म्यूजिक है समीर सेन, ललित सेन का साइड रोल करी है सुष्मिता सेन, रिमी सेन, और यू नो व्हाट, जिसकी डायरेक्टर है अपर्णा सेन, और द लीड रोल है रिया सेन. कंप्लीटली सेंसेशनल मूवी है. तुमसे ज्यादा फिल्में तो मैंने की है. यू नो फिल्में तो कोई भी कर लेता है डार्लिंग, रिलीज भी तो होनी चाहिए. मेरी फिल्में कम से कम बड़े पर्दे पर तो रिलीज होती हैं. तुम्हारा क्या है? यू नो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस ने मेरे बारे में कहा है कि मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ. जरा नाम बता दे मुझे. चंकी पांडे, दीनु मौर्या, कुमार गौरव और तो और अभिषेक. हाय अल्लाह, मेरा अभिषेक बच्चन. अभिषेक बच्चन? राखी सावंत का बॉयफ्रेंड अभिषेक. और भी कई कलाकार हैं. इनकी बड़ी बड़ी कारें तो मैंने बहुत देखी है लेकिन इनकी कला नहीं देखी. इनविजिबल है. देख, पता है तेरी ये बातें सुनकर पूरी दुनिया तुझ पर हंस रही होगी. यही तो मैं तुझे बताना चाहती हूँ. हमारी जगह फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है रे, हमारी असली जगह तो यही है. यही यही है असली सेंस ऑफ ह्यूमर.
Welcome, Sarah. Welcome, Parul. Thank you. Thank you for gracing the stage on our finale episode. Thank you so much. Huge round of applause for the Bidai sisters, Parul and Sarah. अब हमारी फाइनलिस्ट जोड़ियां लेकर आ रही हैं अपना आखिरी दांव, जिसके बाद हमें मिल जाएगा हमारी कॉमेडी सर्कस चैंपियन जोड़ी। वैसे इस राउंड के स्कोर्स सीक्रेट रखे जाएंगे। भाई अंत में ड्रामा भी तो चाहिए ना कि आखिर कौन जीतेगा। तो बुलाते हैं हमारी पहली जोड़ी को। जैसे ही बॉलीवुड एक्टर्स ने सुना कि आजकल साउथ इंडियन सिनेमा में पैसे बहुत मिलते हैं, सबके सब वहाँ चले गए। देखने की बात यह है कि हिंदी फिल्म एक्टर्स साउथ की जबान कैसे बोलते हैं। देखिए ये मुंबईया मद्रासी संगम। प्लीज वेलकम जूही एंड वीआईपी। नमस्कार ऑडियंस। सॉरी सॉरी। நமஸ்கார் ஆடியன்ஸ். என்ன சொல்றக்கு என்ன பத்தினலா என்ன வந்தனிக்கிறான் அண்ட் பாலிவுட் டாலிவுட் ராப்ஸ்டிக் நடந்தது என்ன சொல்லுவோட ட்ரெய்லரா? ஐயோ அப்பா, என்ன சப்ஸு பேலே என்ன நமஸ்கார் இல்ல, என்ன ஜஜி நமஸ்கார் இல்ல, ஜஜி நமஸ்கார் இல்ல, என்ன சொல்ற ஜஜரா, என்ன சொல்ற நமஸ்காரம் இல்ல, என்ன சொல்ல அப்படியே எழுதல. ஏய் ஜஜி நம்ம தான் நம்பர் இல்ல இல்ல. ஐயோ நமஸ்கார் நம்பர் இல்ல, ஷார்ட் ட்ரெஸ் அண்ட் நம்பர் இல்ல. காமியா என்னடா? ஐயோ அப்பா, என்ன தெரியாத ட்ரெஸ் அண்ட் இல்ல, ஏன்டா ட்ரெஸ் அண்ட் இல்ல, சம்ஜா கொட்ஸ் இல்ல. என்ன சொல்றலா பிக் பிக் டவுன், என்ன சொல்றலா சோடி சோடி பாத், என்ன சொல்றல? என்ன சொல்றா? என்ன சொல்றல அனல் புண்ட புண்ட பிச்சை பட குண்ட வாவ். மியூசிக் இல்ல கோட காடி, என்ன சொல்ற மியூசிக் இல்ல, என்ன கோட காடி, என்ன போரிங் இல்ல, அது கார் ஒண்டா கார் ஒண்டா கார் ஒண்டா கார், என்ன சொல்ற கார், என்ன சொல்ற? ஓகே என்ட்ரி ஜேம்ஸ் பாண்டா பிபி கார் இல்ல கார் இல்ல ஹோண்டா ஹோண்டா. ஐயோ அப்பா இல்ல ஆக்சிடென்ட். ஜேம்ஸ் பாண்டா அப்ப நல்ல ஜேம்ஸ் பாண்டா, என்ன சொல்றல? ஆ ஆ ஆ என்ன சொல்றோ? ஐயோ அப்ப என்ன நல்லி நசிருதீன் இல்ல டயலாகா? ஆ என்ன சொல்றல? ஆ என்ன சொல்ற? காணாத வந்தல தோனே, என்ன சொல்றல? ஆ என்ன சொல்றல? க்ளைமாக்ஸ் பசந்தை, என்ன சொல்ற அந்த டான்ஸ், என்ன சொல்ற குத்து, என்ன சொல்றல? ஐயோ அப்பா, என்ன கிளாசிக்கல் டான்ஸா? கிளாசிக்கல் டான்சிங் பாருங்க, என்ன சொல்றதுண்ட ஐட்டம் சாங்க, வசந்தி ஐட்டம் சாங்க, ஐட்டம் சாங்க, ஐட்டம் சாங்க.
என்ன சொல்ற வேண்டதா ரெண்டு சொல்லு கோகல் எடுத்து சொல்லா ஆனா அப்படி என்ன சிகரெட் ஒண்ணு இல்லல என்ன சொல்ற முஸ்லிமான் பாதல்ல என் ஒட்டி பிரண்டா லடக்கி பவுஸ் என்று சொல்றா லடக்கி பவுஸ் என்று சொல்றா என்னோட VIP Joey Madness are behind Kamya Rajiv Tenshana. What is happening? Rapchika. Fantastic. It's been a pleasure watching you guys. Thank you. Thank you so and much. And all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Please. And now bari hai hamari second finalist Jodi ki. So please welcome our second finalist for the night, Kamya and Rajiv. Aaj finals hai aur ye koi mazak nahi hai. Main बहुत सीरियसली कह रही हूँ राजीव राजीव एक्चुअली पता नहीं कहाँ है वो मेरा फ़ोन नहीं ले रहा है और वो आना ही नहीं चाहता आई डोंट नो व्हाट टू डू पर मैं सिर्फ जजेस की परमिशन चाहती हूँ कि मैं अकेले परफॉर्म कर सकती हूँ ओए थकेली अकेली नहीं है तू आ गई हूँ मैं छिंदोश बहन मेरा तो हस्बैंड भी मुझे डर के कहता है बहन मैं जवाब सुनती नहीं मैं सिर्फ सवाल करती हूँ इतनी तो बंदर की लाल नहीं होती जितनी मैं लाल करती हूँ किसने डराया तेरे राजीव ठाकर को बता दे अरे इतना डरपोक है बता के ही नहीं गया किसने डराया ये क्या बोलूं ये सुदेश लहरी ने डराया होगा गाने गा कर डराता है इसे बहुत शौक है गाने का शौक जब से कॉमेडी सर्कस से बाहर हुआ ना खुद शौक में है पंजाब में माइक मिलता नहीं है भैंस की पूंछ पकड़ पकड़ के हेलो हेलो करता रहता है कल भैंस की पूंछ का पिछला हिस्सा काट के कह रहा था कॉर्डलेस माइक ये तो पगला गया इसने क्या डराना है कोई और होना है और कौन ये राजीव निगम खूबसूरत औरत बनकर डराता है ये तो आदमी नहीं खूबसूरत बना तो खूबसूरत औरत कहां से बन रहा है इसने धीरे बोलो अगर इससे गुस्सा आ गया ना तो जितनी लंबी परफॉर्मेंस नहीं करता है ना उतना लंबा भाषण देके चला जाता है वैसे एक चीज बताऊं ये जो शैलेश को पार्टनर मिला है हैवी डिस्काउंट उस पे शक नहीं जाता आपको अरे पागल है क्या अपरा जी के बारे में ऐसा बकवास मत करो यार वो तो समुंदर में छलांग लगाती नहाने के लिए ना दुश्मन मुल्क को गोलियां चला देता है भारत ने पनडुब्बी छोड़ दी है अरे यार वो हमारी टीवी की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है ओ बहन जी फिल्मों में भी आती है राजेश खन्ना के साथ अच्छा कौन सी हाथी मेरे साथी में बाल कलाकार का रोल किया तू इधर उधर को कुमारी मेन बंदा बता जिसने डराया मेन हाँ मेन तो फिर एक ही है कौन VIP उसकी शक्ल देख के डर गया होगा ये डरा सकता भाई गिनीज बुक ने मान लिया कि ये आम आदमी है ही नहीं अक्षय कुमार फियर फैक्टर में लेके गया था कहता वही लड़की जीतेगी जो इसकी चुम्मी लेके बच जाएगी डरा मत कंपटीशन कर
अरे कंपटीशन, जो कंपटीशन में नहीं है वो भी डराता था राजीव को। कौन? ये काकी। ये काकी ना होती ना, हाँ। अगर ये सीधे सीधे कपड़े पहन लेती ना, हाँ। तो इनकी रोजी रोटी बंद हो जानी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट। लो क्या, कौन रहा? ओ काकी, तू भी कुछ खाया पिया कर, शक्ल देख के लगता है जैसे बकरी को शुगर हो गई होती है। ओए सतीश जी, जो केला खाते हैं ना वो भी तुझसे बड़ा होता है। सतीश जी, इन्होंने डराया? हाँ, डरा सकते हैं भाई। खाते पीते घर के लोग हैं ये, तो होटल में खाना खाने जाए ना, वेटर मेन्यू उठा लेता है, आप तो सारा ही खाओगे। लोगों को 2 नंबर आता है, इनको सीधा 100 नंबर आता है। फिर तो बस एक ही अब। कौन? ये अर्चना पहन जी। नहीं नहीं, ये तो हंसती है। अरे नहीं नहीं, इनकी हंसी पे मत जाओ, बहुत डराती है। पहन मेरी, डोले डराने के लिए बनाए जाते हैं ये। तो इतनी ताकतवर औरत है, भैंस की नाक में उंगली डाल के ना भैंस पलटा देती है। भैंस पलटा, नींबू पे बैठ के नींबू का रस निकाल देती है। अरे यार, तो अब मैं जीतने के लिए क्या करूं? तेरी तैयारी पूरी है भी। ऊपर देख, ऊपर। यहाँ है क्या देखने को? तू ऐसे कर, मैं तेरी जोड़ीदार बन जाऊं। तुझे पता भी है यहाँ क्या करना होता है? हाँ हाँ, जजेस की इज्जत करनी होती, बाकियों की बेइज्जती करनी होती है। जजेस की बेइज्जती। अच्छा? हाँ? ये कौन कौन से कपड़े पहन कर आई आप? मेरा मुंह ना खुला, मैंने तुझसे पूछा कि तू कौन कौन से नहीं पहन के आई है। चलिए चलिए, हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप आई कहाँ से हैं? जहाँ से तू आई है वहीं से आई हूँ, मेरा कोई अलग गेट है। सेम फार्मूला, इधर से है? हाँ? आपको क्या लगता है, आप यहाँ से जीत कर जाएंगी? बहन मेरी, जीतूंगी तो ही जाऊंगी, नहीं तो ना जाऊंगी ना जाने दूंगी। बलजीत बारो कुंडी लाला मेरा पुत्र, ले मैं आ गई हूँ फुल मार्क्स लेने। देते हो कि निकाल लूं? आवाजें। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू राजीव एंड कामिया एंड गुड लक। थैंक यू जजेस, दिस इज द लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू बी गिविंग योर स्कोर्स ऑन कॉमेडी सर्कस सीजन 2। तो प्लीज बहुत प्यार से वो चिट्स जरा डाल दीजिए। दोनों जोड़ियों की फाइनल परफॉर्मेंसेस हुई खत्म, लेकिन इससे पहले कि फाइनल रिजल्ट्स का टेंशन हो शुरू, चलिए बुलाते हैं शकील भाई को, जो हमें देने वाले हैं कॉमेडी सर्कस सीजन 2 की जर्नी का एक ओवरव्यू अपनी पूरी शान पट्टी के साथ। आइए। सबसे पहले मैं कहूँगा कॉमेडी सर्कस का शुक्रिया, अल्लाह के बाद और मेरे घर वालों की दुआओं के बाद अगर मैं कुछ हूँ तो इस सर्कस की वजह से हूँ। और आप तो, आपको भी 2-3 गली वाले जानने लगे हैं माशाल्लाह से। हाँ हाँ बिल्कुल। सबसे पहले आप दोनों को, आप दोनों विदाई में थीं तो आपकी शादी हो गई एक पागल से ड्रामे में, माशाल्लाह। अगर नहीं भी पागल से होती तो करने के बाद पागल हो जाता वो। और आपकी नहीं हुई तो फिक्र नहीं करें, जब वो सही हो जाए ना फिर उससे आप कर लीजिएगा, ताकि वो फिर पागल हो जाए। और तुम्हारी एक सीरियल चल रही है अभी, 7 फेरे जिसके 700 एपिसोड हो गए, फेरे ही पूरे नहीं हो रहे। उसमें 350 एपिसोड में बच्चे का वो मसला है कि बच्चा हो के नहीं दे रहा है। 350 एपिसोड में यार मुझसे मिल लेते। अच्छा चलो, आप ऑल द बेस्ट आप लोगों को, आप लोग इस शो में आए आप दोनों। एक मिनट, बहुत देर बाद फोन आया। बुकी हूँ ना, बुकी समझती है, जुआ खेलने वाला, आप समझ जा जाहिल। हेलो किस पे लगाना है? अबे यार इनको भरोसा ही नहीं कि VIP या राजू जो है फाइनल में आएंगे। उन पे तो कोई लगा ही नहीं रहा। अबे सुन लो बे। अबे हाँ वही आ गए, बस आ गए, पता नहीं कैसे दुआओं से आए, पता नहीं कब्रिस्तान में तावीज वावीज गाड़ा दोनों ने। लगाएगा किस पे? क्या कह रहा है कामिया पे। कितने? 25,000। क्या कपड़े देख के क्यों लगाएगा भाई?
अच्छा अच्छा 25,000 और राजीव पे 150 राजीव पे 150 क्यों? अच्छा कह रहा जैसा मुँह होगा उतना ही पैसा लगाऊंगा ना। यार ये ज्यादती ऐसी बात नहीं करो, अगर मुंह देख के लगाना तो फिर सिर्फ 40 रुपये लगाओ। नहीं नहीं बड़ा जहीन बच्चा है, खुदा बड़ा अक्लमंद है, बम्बई आया 4 महीने तक कमोड में आम ठंडे करके खाता रहा ये। हाँ उसमें कपड़े भी धोता था, कपड़े भी धोता था। एक दिन कमीज धोने लगा जब गलती से फ्लश दब गया, कमीज कहीं और निकल गई। जूही पे ओए जूही पे कह रहा मैं अपने आप को लगाने को तैयार हूँ। बेटा तुझे पता नहीं है इनके पास आदमी आता प्राडो में जाता साइकिल पे। पैसे लगा दे इन पे। हाँ लगा दे। ओके हो गया, पैसे बहुत हो गए और मैंने सब एक जगह लगा दिया है। किस पे? बॉबी डार्लिंग पे। क्यों? अबे यार उनके माँ बाप परेशान है, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा इसकी बारात आएगी जाएगी। तो उस पे लगा दिया, अल्लाह मालिक है। ठीक है अभी ये तेरे शो ने ना बहुत कंटाला किया हुआ मुझे, अभी मैं अपने लेवल के लोगों में जाना चाहता हूँ, यानी स्टार लोगों में। सोच रहा हूँ सलमान भाई से मिल गया हूँ, क्योंकि मेरे लेवल का आदमी है। वो नहीं मानता है लेकिन मैं तो उसको मानता हूँ। कॉमेडी के कील आ रहे हैं शकील। सलमान इन गले ना मिलो, इन्हें ना बहुत बड़ी छूत की बीमारी है, ये मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे लड़की हाथ धो के उनके पीछे पड़ी हुई है, इन्हें तौलिया समझा हुआ। हर लड़की इनसे शादी करना चाहती, चाहे पाकिस्तान की हो। लड़कियाँ इनकी फिल्म देखने आती, पर्दे पे आए सलमान, काश पर्दे में से हाथ निकाल के हमें खींच ले पर्दे में। अच्छा मुझ में इनमें क्या फ़र्क है? 19-20 अल्लाह ने उन्हें चौड़ी छाती दी है, मुझे चांपे दी हैं। उनके मसल हैं मेरे मसले हैं, कभी तो हल होंगे इंशाल्लाह। उनके पास 6 packs है, मैं 2 pack में टून हो जाता हूँ। आपको पहले फिल्म थी मैंने प्यार किया, सर वो फिल्म देखी मैंने भी, तो मैंने भी प्यार किया। मेरी बदकिस्मती मैं कामयाब हो गया, शादी हो गई, फंस गया सर। उसके बाद मैंने देखा मैंने प्यार क्यों किया, मैंने भी सर पकड़ लिया, भाई क्यों किया, बच्चे रुक ही नहीं रहे, हो ही जा रहे। आपने लोगों को फंसा दिया, खुद बचे हुए। तो ये बताइए आप कब करेंगे? पाकिस्तान की आवाम को भी इंतज़ार है कि सलमान साहब कब आप, मैं वादा करता हूँ आप यहाँ शादी करें, हम एक पार्टी वहाँ भी रखेंगे, डिनर पार्टी जिसको वलीमा कहते हैं हमारे में, वो हम वहाँ रखेंगे आपके लिए इंशाल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ये मैं अपने दिल से कह रही हूँ आज के, बिकॉज इट इज द लास्ट एपिसोड ऑफ season 2 और आज के बाद मुझे इन्हें नहीं झेलना पड़ेगा, तो प्लीज जोरदार तालियां शाने शकील के लिए, जोरदार तालियां श्रुति के लिए। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार। अगर मैं कहूंगा सारों को खड़े होकर ताली बजाओ इसके लिए, भाई श्रुति के लिए खड़े होकर। यस यस माय गॉड। थैंक यू जजेस, थैंक यू शाने शकील, थैंक यू ऑल द कंटेस्टेंट्स। वेलकम बैक टू द कॉमेडी सर्कस फिनाले। दोस्तों वक्त आ गया है हमारी कॉमेडी सर्कस चैंपियन रिवील करने का। मैं दोनों ही जोड़ियों को सेंटर स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगी, तो प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, जूही VIP एंड काम्या राजीव। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द फाइनल जोड़ीज ऑफ कॉमेडी सर्कस season 2, काम्या राजीव एंड जूही VIP। कौन पहनेगा जीत का सहरा, कौन लहराएगा कॉमेडी सर्कस season 2 के चैंपियन का परचम? तो इनमें से कोई एक आज बनेगा द किंग ऑफ कॉमेडी सर्कस। लेकिन हम एक बात बता दें, चाहे रिजल्ट किसी के भी हक में हो, जीत अंत में कॉमेडी की ही होगी। तो जूही VIP, क्या आपको लगता है कि आप हैं कॉमेडी सर्कस के चैंपियन? हर कोई इंसान चाहता है कि मुझे ही लगे और मैं ही हूँ, और आई वोंट ट्राई टू मिंस वर्ड्स। लुकिंग एट द वे परफॉर्मेंस हैज गॉन, वी आर होपिंग कि
वो नाम हमारा है। ओके कामया राजीव, आपको कैसा लग रहा है? हमें कैसा लग रहा है कैसा नहीं, ये मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ कामया और राजीव ही है जो कॉमेडी सर्कस के हर एक एपिसोड में है। That's it. Wow. तो आपको लगता है कि आप दोनों इस सीजन के चैंपियंस बनने के हकदार हैं? हकदार तो हैं, लेकिन जिस एक दिन पे डिसाइड किया जाता है उस दिन के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। पिछले सीजन हमारी विनिंग जोड़ी अली और काशिफ सिर्फ 2 पॉइंट से चैंपियनशिप टाइटल ले गए। अब देखना है कि आज हमारी ऑडियंस की वोट्स ने हमारी दोनों जोड़ियों के हक में क्या फैसला लिया है। आई विश बोथ द जोड़ीज ऑल द वेरी बेस्ट एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर बीइंग हियर ऑन दिस स्टेज टुडे। अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द परफॉर्मेंसेस दैट बोथ आवर जोड़ीज हैव डन टुडे एंड फॉर द एंटायर सीजन। तो दिल थाम के बैठिए, वो जोड़ी जो आज यहां से ले जाएगी कॉमेडी सर्कस चैंपियन का टाइटल विद अ कैश प्राइस ऑफ 20 लाख रुपीज फ्रॉम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एंड एलजी स्कारलेट फुल एचडी एलसीडी टेलीविजन द अल्टीमेट सेडक्शन गिफ्टेड बाय एलजी, वो जोड़ी है जोड़ी है वो जोड़ी जो है कॉमेडी सर्कस सीजन 2 के चैंपियंस, वो है judges to hand over the trophies to our winning jodi. Shekhar, could you kindly hand over the trophies please? Archana, could you please hand over the check to Juhi and VIP of 20 lakh rupees? Satish ji, can I please request you to hand over the LG hamper which includes the LG Scarlett Full HD LCD television, the ultimate seduction. Thank you. Zordar taaliyan for our winning jodi Juhi and VIP. In the father little prakopar, yeah, I'm very happy. Aur isi ke saath khatam hota hai Comedy Circus Season 2. लेकिन आप अगले शनिवार से हमारे कांटे की टक्कर देखना मत भूलना जिसमें होगा कॉमेडी का महायुद्ध सीजन 1 और सीजन 2 के चैंपियंस के बीच। सीजन 1 को लीड करेंगी अर्चना पूरन सिंह और सीजन 2 को लीड करेंगे शेखर सुमन। सो वील सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम चैनल विद कांटे की टक्कर। अंटिल देन कीप रॉकिंग द वर्ल्ड विद सम ग्रेट ह्यूमर। गुड नाइट।